लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला देखने लई सब्सक्राइब करो चैनल पंजाब ते प्रेस करो बेल आइकन। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी नाल ठगी मारन का मामला सामने आया है। दरअसल बीती रात सपना चौधरी लुधियाना के पंजाबी भवन च प्रोग्राम पेश करन पहुंची सी, जिथे उन्होंने प्रोग्राम के आयोजकों से ठगी मारन के दोष लाए हैं। सपना चौधरी के भरा का कहना है कि शो के आयोजक शो की 1,90,000 की पेमेंट दिते बिना ही रफू चक्कर हो गए। एक्चुअली मेरा नाम विकास दत्त है और मैं सपना जी का बड़ा भाई हूँ और आज हम लुधियाना आए थे पंजाबी भवन में प्रोग्राम करने के लिए। तो ये जो कार्यक्रम था ये शहीदों के लिए था, जो हमारे देश के शहीद हुए हैं आज कश्मीर जम्मू कश्मीर में, तो उनके लिए हम लोग फंड इकट्ठा कर रहे थे। तो आज से 7 दिन तक जो भी शो करेंगे वो फंड सारा उन्हीं को जाना था, लेकिन इन ऑर्गेनाइजर्स ने 1,90,000 का जो है अमाउंट हमें दिया ही नहीं। हमारा ये शो बुक हुआ था तकरीबन 7,90,000 में, यानी 8,00,000 मान लीजिए, और उसके बाद इन्होंने 6 एडवांस दे दिया था हमें। बाकी जो अमाउंट था वो ये लोग लेकर बीच उससे ही गायब हो गए शो के अंदर से। जब मैं ऑर्गेनाइजर के नंबर ट्राई करने लगा तो सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ, जो जो नंबर टिकट्स पे VIP पासिस पे थे सब के सब स्विच ऑफ। उसके बाद मैंने 100 नंबर पर कॉल किया, उन्होंने थाने का नंबर दिया, 5 नंबर चौकी का नंबर, तो वहां जाकर मैंने फिर कंप्लेंट दर्ज कराई उनके खिलाफ। आज से 7 दिन तक के हमने अनाउंस किया था कि जो भी पैसे 7 दिन में सपना कमाएगी, या चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 10 लाख हो या 20 लाख हो, जितना भी हो वो हम टोटल BSF को दे देंगे। उत्थे ही जांच अधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पैसे का सीगा इन्हां दा, वो इन्हां दा कोई जान बुझ के भी पैसे इन्हां दी पेमेंट पूरी नहीं की, विचों ही शो छड़ के वो भज गए। जांच कर रहे हैं मामले, जिसकी आपां जांच कर रहे हैं। लुधियाना तो अनुपम महेंद्रू ते प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट, चैनल पंजाब। साडी लेटेस्ट खबर नूं सब तो पहला वेखण लई साडे चैनल पंजाब नूं करो सबसक्राइब ते नोटिफिकेशन लई दबाओ बैल दा बटन।